ये तीन मित्र हैं, रॉबर्ट वाड्रा जो इनका प्रमुख मित्र है, उनके मित्र हैं मनोज अरोड़ा और संजय भंडारी। संजय भंडारी आर्म्स डीलर है, हथियारों का दलाली करता है ये संजय भंडारी। ये तीनों मित्र मिलके सोनिया जी और राहुल जी के बिहेस्ट पे, जब इनकी यूपीए की सरकार चल रही थी, तो पूरी तरह से किस प्रकार डिफेंस में मिडलमैनशिप किया जा सके, दलाली किया जा सके, ये दलाली करते थे और उसी के पैसे से इनकी आजीविका चलती थी। और जिस प्रकार दलाली की गई, उस पैसे से रॉबर्ट वाड्रा ने एक बेनामी संपत्ति खरीदा लंदन में। भारत में तो ये सब जगह उनकी प्रॉपर्टी है ही, मगर लंदन में जिसका एड्रेस है 12 ब्रैंटन स्क्वायर, 12 ब्रैंटन स्क्वायर में करोड़ों रुपए खर्च करके रॉबर्ट वाड्रा ने एक संपत्ति खरीदी। और इन तीनों मित्र के बीच मेल्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से पत्राचार हुआ, इनकी बीच बातचीत हुई कि इसमें और ज्यादा पैसे लगाकर, करोड़ों पैसे लगाकर इसको रिनोवेट करना है ताकि इसमें सब प्रकार की सहूलियत आ जा सके। ये सारे मेल पब्लिक डोमेन में आए, वह प्रॉपर्टी भी हम सबने देखा, और उसका नतीजा यह हुआ कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक केस दर्ज किया और आज रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर है, अग्रिम जमानत पे बाहर है। ठीक ये कहानी रॉबर्ट वाड्रा के साथ बीकानेर लैंड डील में भी, राजस्थान में जिस प्रकार से कई एकड़ की जमीन उन्होंने बीकानेर लैंड डील में लिया था, उसके कारण भी केस चल रहा है राजस्थान में, वहां भी लगभग वो बेल के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। लुक एट द आयरनी, द फर्स्ट फैमिली ऑफ द कांग्रेस पार्टी, द फैमिली विच लिटरली रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ऑल दीज ईयर्स, सच इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फैमिली दैट मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर दे आउट ऑन बेल। ये सारे केसेस इंडिया के बड़े बड़े न्यायालयों में चल रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, कोई हाईकोर्ट में चल रहा है, और लगभग सारे केस सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। ये सोचने की बात है मित्रों, एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहती है, एक ऐसी पार्टी जिसने परिवार से तमाम प्रधानमंत्री दिए, उनके सारे लोग आज हजारों करोड़ों रुपए के गबन के जुर्म के कारण बेल पे बाहर है। दे फील दैट इंडिया इज देयर प्रॉपर्टी, ये भारतवर्ष उनकी प्रॉपर्टी है, ये उसके ऊपर अपना अधिकार जमा सकते हैं, करप्शन इज देयर एंटाइटलमेंट, इस प्रकार का इनका सोच है। ये तो जीजाजी की कहानी है। मैं आपको इसमें याद भी दिला दूं कि राहुल गांधी जी ने 600 करोड़ रुपया 600 करोड़ रुपीज इनकम टैक्स का गबन किया हुआ है, उसका भी केस अलग चल रहा है। इनकम टैक्स का गबन, जमीन का गबन, लंदन में प्रॉपर्टी, 5000 करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड केस, दलाली, मिडलमैनशिप, ये इनके परिवार का गोरख धंधा है। और ये चौकीदार चौकीदार के, तभी इनको चौकीदार शब्द से इतनी नफरत है। चौकीदार की हुईसल सुन लेते हैं तो इनको नींद नहीं आती है। जब चौकीदार सख्त होता है तो चोरों में इसी प्रकार की हालत होती है, बौखलाहट होती है। रोज हम देख रहे हैं कोई ना कोई इनके फैमिली का मित्र जो काला धन लेके भागा था, वो सब एक्स्ट्राडाइट होके आ रहे हैं। परसों भी हमने देखा तलवार और सक्सेना आए हैं, उससे पहले इनके मामा आए थे क्रिस्टियन मिशेल। बंधुओं, this is a telling story of the dynast's first family, the Gandhi family, which I firmly believe henceforth should be named as the Bail family. aur ye sare jo mahagathbandhan wale hain, ye sare corrupt log ek dusre ke haath pakad kar isliye khade hote hain taki inko lagta hai ki main bhi chor, tu bhi chor, main bhi bail pe bahar, tu bhi bail pe bahar, main bhi bhrasht, tu bhi bhrasht, aao ek dusre ke peeth khujaye, आओ एक दूसरे को बचाएं। केवल एक दूसरे को बचाने के लिए ये सारा खेल चल रहा है। इसलिए हिंदुस्तान की बुद्धिमान जनता जहां एक तरफ सारे भ्रष्टाचारियों को देख रही है, वहीं दूसरी तरफ किस प्रकार देश को करप्शन और भ्रष्टाचार से निजात दिलाने के लिए उनका चौकीदार बनकर नरेंद्र मोदी खड़ा है, उनको भी देख रही है। जनता तय करेगी। बंधुओं, एक और विषय भी आया है। आज एक महत्वपूर्ण टेलीविजन चैनल में एक बड़ा खुलासा हुआ है, हमारे जख्मों को कुरेदा गया है और हम पुनः उन जख्मों को याद करते हैं। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990, ये दो दिन
ये दो तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में काले अक्षर में याद रखे जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तारीख ऐसे हैं जब अयोध्या में अपनी आस्था की लड़ाई लड़ने, अपनी आस्था की पूजा करने जब कार सेवक गए थे, तो तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले मुलायम जी की सरकार ने जिस प्रकार से गोली बरसाई थी उनके ऊपर, हजारों लोगों की जख्मी हुई थी, कई सौ लोग उसमें मारे गए थे। कोठारी बंधु, उनको आज भी हम याद करते हैं। हमारे विचार परिवार के लोग, हमारे कार्यकर्ता, उनका खून बहा था। बंधुओं, पांव पे गोली नहीं लगी थी, सर पे गोली लगी थी, छाती पे गोली लगी थी, मारा गया था, चुन चुन के घर से निकाल निकाल के लोगों को मारा गया था। और उनको मारने के पश्चात आज जो खबर आई है वो दिल दहला देने वाला है। राम के भक्तों को मारकर राम के भक्तों को दफनाया गया, उनकी अंत्येष्टि नहीं की गई, हिंदू विधा के साथ उनकी अंत्येष्टि नहीं की गई, उनको जमीन में दफना दिया गया। और जब बाद में उनके परिवार के लोग आए तो बताया गया, देखो ये तो हिंदू नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनको तो दफनाया गया है। मौत के बाद भी उनके आंखों को बंद न किया जा सके, इस प्रकार का एक षड्यंत्र मुलायम सिंह जी की सरकार ने रचा। ये आज एक टेलीविजन चैनल ने खुलासा किया है, ये दिल दहलाने वाला है। और ये सारे गठबंधन के लोग